नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो बिल्कुल मेरी स्क्रीन के ऊपर जो आपको इमेज नजर आ रही है वो किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, काफी हद तक क्लियर भी हो रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर EMRS के एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के और पेपर कब तक हो सकता है। और इस वीडियो में हम आखिर में चर्चा करेंगे कि आप दरअसल कितना तैयार हैं यहाँ पर पेपर को देने के लिए और कितने तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि मैम बहुत सारी अफवाहें हैं, चीजें निकल के बाहर आ रही है कि साथ साथ 8 अक्टूबर के बीच में EMRS का जो एग्जाम है कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, मैं आपके सारी इन प्रश्नों और चर्चाओं के ऊपर विराम लगाते हुए अगर एक सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 7 या 8 अक्टूबर को अगर पेपर की डेट अनाउंस हो जाती है तो ऐसे में आपकी तैयारी कितनी है। मुझे लगता है कि इस सवाल के बाद थोड़ा सा पॉज देकर के आप भी सोचेंगे कि क्या हम दरअसल एग्जामिनेशन में बैठने और फाइट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि EMRS में हजारों नहीं लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं और आपका फाइट यहाँ पर एक या दो कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट आप हजारों की संख्या में कैंडिडेट के साथ करने वाले हैं। दूसरी चर्चा जो आपने यहाँ पर सवालों के माध्यम से पूछी है वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसला, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट का जो फैसला है, काफी सारे बच्चों ने हाई कोर्ट के यहाँ पर डेट्स को लेकर के स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो कि मसला चल भी रहा था यहाँ पर। और क्योंकि कई बच्चों का ये कहना है कि भाई EMRS की वैकेंसी के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, हाई कोर्ट का फैसला आएगा 17-18 अक्टूबर के बाद, तभी इसके ऊपर फैसला होने वाला है। देखिए, किसी भी चीज का जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके ऊपर आपके पास ना आ जाए, मैंने शुरू में मैं पहले दिन से ये बात आपके सामने रखी है कि EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, कि पेपर होगा कब, नहीं होगा, कैंसिलेशन होगा, हाई कोर्ट में इसकी डेट्स हैं, उसके बाद हम पेपर करवाएंगे। आपको मोटा मोटा अपने दिमाग में बस ये बात ध्यान में रखनी है कि देखिए, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर को करवाने का जो तौर तरीका होता है वो अमूमन 3 या 4 महीने का होता है। चाहे वो आप DSSSB को देख लें, चाहे आपने केंद्रीय विद्यालय को देखा होगा कि दिसंबर में, नवंबर लास्ट में नोटिफिकेशन निकालने के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में टीचिंग वालों को, जनवरी के आखिरी सप्ताह में नॉन टीचिंग वालों के पेपर शुरू हो चुके थे, वहां पर भी हम इसी डिलेमा में फंसे हुए थे कि भाई पेपर जल्दी करवा रहे हैं, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। हालांकि जो भी चीजें बाद में हुई, गलत विचार और चर्चा का मसला, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अभी तक ध्यान में रखना है कि EMRS की डेट्स क्लोज हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और जब इनकी PGT की और TGT की इन्होंने डेट्स अनाउंस की थी फॉर्म भरने के लिए, उस बात को बीते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय जा चुका है। ऐसे में 2 महीने के बाद अगर अमूमन तौर पर अगर मैं टोटल अगर एक राउंड फिगर करूं तो भाई अक्टूबर लास्ट में, ठीक है, या फिर नवंबर में, दीपावली है, छठ जैसे बड़े त्यौहार हैं, तो नवंबर लास्ट में दिसंबर के पहले सप्ताह में, यानी अक्टूबर नवंबर का ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई अक्टूबर में या नवंबर लास्ट में पेपर की डेट्स आपकी हिट होंगी और उसके लिए आपको तैयार रहना एग्जामिनेशन देने के लिए। अब आपको तय ये करना है कि भाई आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। देखिए, काफी ज्यादा बच्चों की चर्चा भी ये रहती है कि तर्क वितर्क की बातें हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, केवीएस के साथ जो भी हुआ। देखिए, तर्क और वितर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि भाई ये तर्क का क्या है, इस वितर्क का क्या है, तो उसमें केवल आप अपना कीमती समय गंवा करके आएंगे जो कि दोबारा आपके हाथ में नहीं आने वाला है। जो 2 मिनट या 2 घंटे आपने चर्चा में गंवाए हैं, बेहतर होगा कि आप अपने जो है पढ़ाई लिखाई के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर लगाएं। क्योंकि देखिए, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब बीएड धारकों को बाहर कर दिया गया है PRT के वैकेंसीज के साथ, तो यहाँ पर वैसे भी बीएड वालों के पास एक ही अच्छा मौका भी है 10 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करने का। और रही सही कुछ सीटें आपके हाथ में हैं और उसको भी अपने समय की जो है सही प्रयोग को ना लेकर के अगर आप उसको गंवा रहे हैं तो उसमें पूर्ण तरीके से नुकसान आपका है। रही बात एग्जामिनेशन होने की, तो हाईकोर्ट का मसला हाईकोर्ट में चलता रहेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। उसमें एक लंबा समय, न्याय प्रणाली एक लंबा समय लेती है किसी भी चीज को करने और करवाने में। ऐसे में अब आपको यह तय करना है कि आप कितना दरअसल प्रिपेयर है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 हफ्ते बाद एग्जामिनेशन डेट्स आपके सामने रख दी जाएं और मात्र 15 दिन आपके हाथ में हो ये तय करने के लिए कि अब आप क्या पढ़ेंगे और अब आप क्या छोड़ देंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। एक मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो बाकी तैयारी हम सारी करवा रहे हैं, फिर भी कोई सजेशन, कोई डाउट जरूर पूछिएगा। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी।